मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक से होंगे। बच्चों, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमें असाइनमेंट्स टाइमली नहीं भेज रहे हैं। तो बच्चों, हम बार बार आपको एक ही चीज बोल रहे हैं कि अपने सारे असाइनमेंट टाइम टू टाइम करके हमें भेजिए। ठीक है बच्चों? तो चलिए, आज फिर मैं आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक सृष्टि करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, आज हम शुरू करेंगे र के विभिन्न रूप। हम र की मात्रा को देखेंगे कैसे लगती है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे र के विभिन्न रूप। र, रेफ, र ऐसे लगता है बच्चों, ये रेफ वाला र जो होता है ऐसे लगता है कि मात्रा वाले शब्द। बच्चों, जिस भी र के नीचे हलंत आता है वह र आधा कहलाता है। ठीक है, जैसे र के नीचे हलंत है तो ये र आधा कहलाएगा, और आधा र जब दो अक्षरों के बीच में आधा र आता है तो वह र ऊपर लग जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए जैसे प जमा आ जमा र हलंत वाला देखो, प्लस जमा क पार्क, स जमा ऊ की मात्रा जमा र हलंत वाला ये भी देखो, जमा य सूर्य। पढ़ो और समझो। फर्श, बर्फ, पर्स, मूर्ख, धर्म, चाट, दर्शन, निर्मल, काट, पर्वत। आओ पढ़ें। सूर्य निकला, रोहित निकलकर पार्क में गया, वहां मुर्गा मुर्गी रहते थे, वहीं बिल में सर्प भी रहता था, वर्षा हो रही थी, सर्प ने मुर्गे को गर्दन से दबा लिया, मुर्गा दर्द से छटपटा गया, अचानक वर्षा शुरू हो गई। बच्चों, आपने इसमें देखा ना, र ऊपर लगा है, सूर्य, पार्क, मुर्गा मुर्गी, वर्षा, सर्प, है ना, दर्द, ये सब क्या है, रेफ, र रेफ, और यह ऊपर लगता है। जिसमें र हलंत वाला होता है ये आधा र कहलाता है, और ये र ऊपर लगता है। चलिए अब दूसरा र करते हैं हम। दूसरा बच्चों आएगा र पदेन। पदेन र जो पैरों में लगता है, और वह इस तरीके से लगता है, ये दो तरीके से र किसी अक्षर के पैरों में लगता है। ठीक है, देखो और पढ़ो। और ये र कब लगेगा, जब इससे पहले वाला अक्षर, अब इससे पहले वाला अक्षर जैसे ट है, ट के नीचे हलंत है तो ये आधा अक्षर कहलाएगा, तो आधा अक्षर हो तो यह उस अक्षर के पैरों में लग जाता है। जैसे ट के नीचे हलंत है, ट जमा र जमा क, ट्रक। अब ट आधा था तो ये र जो है इसके नीचे लग गया, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रक। ऐसे ही दूसरा वाला र, अभी हमने ये ऐसा वाला र देखा है, अब दूसरा वाला र जो जो इस तरीके से लगता है, अब देखिए ब, ब के नीचे हलंत है तो ब आधा है, ब जमा र जमा श इज इक्वल टू ब्रश, ब्रश। तो ये ऐसे र इसके नीचे लग गया, क्योंकि र से पहला जो अक्षर है वह आधा अक्षर है, तो जो र है वह उसके पैरों में लग जाता है। अभी हमने जब रेफ र देखा था तो हमने उसमें देखा था ना कि र हलंत वाला था, तो उसका मतलब था कि र आधा है तो वह अक्षर के ऊपर लगता है। अब यहाँ पर र से पहले जो भी अक्षर आ रहे हैं वह आधे हैं, तो र जो है उनके पैरों में नीचे लग जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ो और समझो। ड्रम, ट्राम, चक्र, प्रसाद, वज्र, प्राण, तीव्र, भ्राता।
आओ पढ़े। प्रकाश एक छोटा लड़का है, उसकी उम्र 8 वर्ष की है। वह ट्रक पर बैठकर ग्राम गया, मंदिर से प्रसाद लिया, आकाश में चंद्रमा दिखाई दिया। उसकी माँ ने महाभारत की कहानी सुनाई, द्रौपदी द्रुपद की पुत्री थी। द्रुपद ने प्रण लिया था अर्जुन ने चलते चक्र में मछली की आंख भेदी। वह गुरु द्रोण का चेला था, भीम उसका भ्राता था। भ्राता मतलब भाई। तो बच्चों आपने ये देखा ना, अब र पैरों में आ गया। जैसे प प हलंत वाला होगा तो प के नीचे जो है र आ गया। ऐसे ही ट्रक, ट्रक तो आपने देख लिया, ठीक है बच्चों। तो ये र के विभिन्न रूप होते हैं। र को हम कैसे ऊपर लगाते हैं, कैसे पैरों में लगाते हैं, ये अलग अलग तरीके से बताया जाता है। इसे मैं और भी अच्छे तरीके से आपको समझाती हूँ। देखिए बच्चों, र पदेन, पदेन र इस तरीके से और इस तरीके से की मात्रा होती है, और र रेफ वो ऊपर लगता है। इसमें र के नीचे हलंत होता है तो र अक्षर आधा होता है इसलिए ये ऊपर लगता है, और र पदेन में ऐसा होता है कि जो इससे पहले के अक्षर होते हैं वह आधे होते हैं, तो ये अक्षर जो है र उनके पैरों में लगता है। जैसे ब्रश, चक्र, उम्र, सब्र, प्रण, ये र इस तरीके का है, ठीक है। ये इसमें इस तरीके की मात्रा लगी है। अब ये ऐसे वाला र जो है, जैसे ट्रक, ड्रम, ट्राम, राष्ट्र, और जो ऊपर र लगता है वह इस तरीके से लगता है, जैसे पार्क, सूर्य, पर्स, धर्म, बर्फ। अब ये र पूरा है, लेकिन इससे पहले वाला अक्षर हलंत के साथ है, वह अक्षर आधा है, तो इसलिए यह र ब के नीचे लग जाएगा तो यह ब्रश कहलाएगा। ऐसे ही ट र क, अब ट आधा है, हलंत वाला है, तो यह र ट के नीचे लगकर ट्रक बन जाएगा। ऐसे ये प जमा आ की मात्रा जमा र, र हलंत वाला है, तो इसका मतलब र आधा अक्षर है हमारा, तो क, तो यह अक्षर बन जाएगा पार्क। तो बच्चों अब आपको र के विभिन्न रूप पता लग गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। चलिए फिर बच्चों, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है, ओके बाय। चलिए बच्चों, आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वह आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है, और सारे असाइनमेंट टाइमली भेजेंगे।